न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 90 रनों से हराकर 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है। भारत की जीत में वैसे तो कई खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली के अलावा महेंद्र सिंह धोनी और केदार जाधव का भी अहम योगदान रहा। ऑलराउंडर केदार जाधव ने पहले मैच में जहां छठे गेंदबाज के रूप में शानदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरे मैच में भी इनफॉर्म धाकड़ बल्लेबाज राज टेलर का विकेट झटकने में कामयाब रहे। इसके साथ ही केदार जाधव की किस्मत कहें या फिर भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन, जो भी हो लेकिन जाधव ने भारतीय टीम के लिए जो पिछले 16 वनडे मैच खेले हैं उन सभी मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है। जाधव के प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि वो विश्व कप 2019 में भारतीय टीम की जीत में त्रुप का इक्का साबित हो सकते हैं। जाधव के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्हें विश्व कप 2019 के लिए भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दौरे से पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड में भी धोनी का धमाका जारी है। आपको बता दें कि लगातार दूसरे वनडे में धोनी ने रॉस टेलर जैसे धुरंधर बल्लेबाज को पलक झपकते स्टंपिंग कर साबित कर दिया कि आज भी वो दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर हैं। दरअसल न्यूजीलैंड की पारी के 18वें ओवर में स्ट्राइक पर थे रॉस टेलर और गेंदबाजी कर रहे थे केदार जाधव। ओवर की पहली गेंद पर रॉस टेलर ने केदार जाधव की फिरकी को डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद को समझ नहीं सके और गेंद उनके बल्ले पर आने की बजाय विकेट के पीछे खड़े धोनी के दस्तानों में समा गई। गेंद को डिफेंस करने की कोशिश में रॉस टेलर एक पैर अपना क्रीज से थोड़ा ऊपर उठा बैठे, जिसका फायदा उठाते हुए धोनी ने बड़ी फुर्ती दिखाई और रॉस टेलर अभी कुछ समझ पाते कि माही ने गुल्लियां बिखेर दी। माही के इस शानदार स्टंपिंग पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए।